विकास के सभी लक्ष्यों को तय कर वार्ड को बेहतर वार्ड बनाने के संकल्प के साथ वार्ड क्रमांक 42 सुभाष चंद्र बोस वार्ड के भाजपा पार्षद पद प्रत्याशी महेश राजपूत घर घर दस्तक दे रहे हैं। भाजपा पार्षद पद प्रत्याशी महेश राजपूत और उनके समर्थकों का वार्ड के मतदाताओं से मुलाकात और जनसंपर्क करने का क्रम लगातार जारी है। वार्ड क्रमांक 42 सुभाष चंद्र बोस वार्ड से भाजपा प्रत्याशी महेश सिंह राजपूत सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। वार्ड के विकास के सभी लक्ष्यों को तय कर मतदाताओं के घर घर दस्तक दे रहे भाजपा पार्षद प्रत्याशी महेश राजपूत ने अपने समर्थकों के साथ संजय नगर भड़पुरा नेता कॉलोनी में जाकर मतदाताओं से संपर्क किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वार्ड को बेहतर और आदर्श वार्ड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। संजय नगर भड़पुरा नेता कॉलोनी और इन सारे बेल्टों में जाकर लोगों के घरों घर हम लोग पहुंच रहे हैं। लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और आशीर्वाद मिलने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं के कारण लोग जहां भी जाते हैं तो किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, किसी को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और अनेकों योजनाओं का जो है निरंतर लोगों को लाभ मिला है। उसका प्रतिफल है कि लोग सभी लोगों का रुझान और आशीर्वाद हमको जो मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी एवं हमारे जबलपुर शहर के लोकप्रिय सांसद सम्मानी राकेश सिंह जी के कारण आज हम वार्ड में हमें जनता आशीर्वाद दे रही है। अब से पूर्व भी हो इस क्षेत्र में पार्षद रह चुके हैं और यदि हम कहें कि इस यहाँ पे जो भी कार्यों की शुरुआत हुई है तो वो महेश के द्वारा ही हुई है और इस समय हम जिस भी गली में जिस भी कूचे में चले जा रहे हैं हमें चारों तरफ महेश के ही समर्थन के लोग मिलते हैं। हम उनसे बोलते तक नहीं हैं कि भाई आप हमारे साथ चलो, पर हर घर से कोई ना कोई बंदा हम लोगों के साथ है और हमें पूर्णतः से ये आशा है कि महेश राजपूत पूरे जबलपुर क्षेत्र में सबसे अधिक वोटों से विजयी होगा। जनसंपर्क के दौरान भाजपा पार्षद पद प्रत्याशी महेश राजपूत के समर्थन में उनके समर्थक भी मतदाताओं से मुलाकात कर रहे हैं।